नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आपका कैप राउंड फर्स्ट डायरेक्ट सेकेंड ईयर का हो चुका है और अभी कैप राउंड सेकेंड का आपको फॉर्म भरना है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एक ही जगह पे मतलब किसी भी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनके अलाउड कॉलेज अलाउड हुआ है लेकिन उनको कॉलेज चेंज करना है, मतलब बेटरमेंट के लिए जाना है। तो उन्होंने ऑलरेडी वो ऑप्शन चूज़ किया है, पैसे भी भर दिए है, अभी कैप राउंड सेकेंड भरना है। कैप राउंड सेकेंड का डेट क्या है? 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको क्या करना है, कैप राउंड सेकंड के लिए फॉर्म भरना है। तो उसके लिए अगर आपको वैकेंसी राउंड देखना है, वैकेंसी कितने हैं कौन से कॉलेज में, तो ये जो प्रोविजनल वैकेंसी है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कौन से कॉलेज में कितने वैकेंसीज है। तो अगर आप देखने जाओगे तो मैक्सिमम कॉलेज में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, वहाँ पे एसटी के सीट्स वैकेंट है, ठीक है। और एक खाली चंद्रपुर का कॉलेज है, चंद्रपुर के कॉलेज में जो उनका इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए उनके बहुत सारी वैकेंसीज वहाँ पे है। तो आप ये पूरा डिटेल देखिए कौन कौन से कॉलेज में कहाँ कहाँ वैकेंसीज है क्या नहीं, और फिर उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, ऑप्शन फॉर्म भरिए आपका। और 300 ऑप्शन है आपके पास, पहले जो प्रेफरेंस है आपका वो भरिए, फिर जो कॉलेज ऐसा है कि थोड़ा ठीक है ठीक ठाक है वो भी भर दीजिए। क्योंकि कैसा होगा, अगर आप कैप राउंड से जाओगे तो आपको ईबीसी मिलेगा, जो आपका कुछ बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। अगर आप कैप राउंड से नहीं जाओगे तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन डाल दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।